हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। तो आज का टॉपिक है ना, मेरा बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो सबको पता है, अबाउट वाटर ड्रिंकिंग। ठीक है कि हमें कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है और जो भी है पानी से रिलेटेड है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है पानी से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे अगर पानी से रिलेटेड ही इतना कॉमन टॉपिक है तो इसे बनाने की क्या ज़रूरत है? सबको पता है कि हमको 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और जितना भी हो सकता है हमको वाटर कंजर्वेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी को पता है एंड इतना तो सबको पता है। तो फिर मैं क्या बताने जा रही हूँ है ना, आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ में ना हमको डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। जैसे हमको सबको पता है भाई पानी तो पीना ही है, पानी तो कंजर्व करना ही है, तो उसमें नई बात क्या है? लेकिन जो मैं आज नया बताने जा रही हूँ, शायद वो मेरे सोचने का तरीका हो सकता है। तो मैंने कहा आज जो मेरे सोचने का तरीका है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा जूलॉजी की किताबें पढ़ रही थी, तो मैंने कहा अभी मेरे को वहाँ पे देखा ना कि हमारी बॉडी जो है 60% वाटर से बनी हुई है। ये तो मैं बहुत पहले से पढ़ती भी आ रही हूँ, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखा कि मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर है? तो 80-85% जो वाटर कंटेंट है हमारी किडनी में है, 70-75% वाटर कंटेंट जो है हमारे ब्रेन में है, और 70-80% जो है ब्रेन में कंटेंट है, 80-85% किडनी में कंटेंट है, 70-75% जो वाटर कंटेंट है वो हमारे हार्ट में है। तो मैंने कहा यार इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेजर 3 पार्ट बॉडी के हैं उन्हीं में वाटर का मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा क्यों है? तो फिर एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने सोचा उस बात पे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप शेयर करने के लिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि हाँ ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। और अगर आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ मैंने एक नया वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये 3 बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी जो है वो अगर हम माइथोलॉजी से कहते हैं तो हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है। उसमें जल है एक तत्व, अग्नि है दूसरा तत्व, वायु है तीसरा तत्व और पृथ्वी है चौथा तत्व, जिसको हम अर्थ तत्व भी कहते हैं। तो इन 5 तत्वों में अभी जब मैं देख रही थी तो मैंने 60% जो है वाटर है, रेस्ट 40% में आपका अग्नि आता है, वायु आता है और आपकी पृथ्वी तत्व आता है। वाटर को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि जल ही जीवन है, है ना, जल ही जीवन है, अमृत है। जल को अमृत की संज्ञा दी गई है कि भाई अमृत के समान है, ठीक है ना, जल अमृत के समान है। तो मैंने को ये जब तीनों चीज़ें मैंने कोरिलेट करी कि भाई किडनी में सबसे ज़्यादा वाटर का कंटेंट है, हार्ट में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट है और ब्रेन में सबसे ज़्यादा, मतलब इन तीनों ही ऑर्गन में। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ये तीनों ऑर्गन्स हम वर्टिकली रखते हैं, 1, 2 एंड 3, तो तीनों ऑर्गन वर्टिकली एटलीस्ट जब आप ऊपर से नीचे तक ऐसे अपनी बॉडी में रखते हैं तो ब्रेन है और हार्ट है और आपकी दोनों तरफ की किडनियां हैं, ठीक है, दोनों किडनियां हैं। अभी मैं एनाटॉमिकल पार्ट में ज़्यादा ना जाते हुए इसका मैथोलॉजिकल पोर्शन समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में पानी कम होता है, हमको हाइड्रेट रखना चाहिए अपनी बॉडी को। क्यों अपनी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना चाहिए? अब मैं इस पर आती हूँ कि 6 से 8 ग्लास पानी हमें क्यों पीना चाहिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है, देखिए अगर मैं इन 3 पोर्शन को 3 चक्र कहूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई एक हमारा ब्रेन का चक्र है, दूसरा हमारा हार्ट का चक्र है और तीसरा हमारा किडनी का चक्र है, तो तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भी मन हमारा क्या है, हमारा हृदय क्या है, हमारा हमारे भावों का कारक है, ठीक है, ये हमारे भाव हैं जो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, मतलब हम
जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हमारा हार्ट जो है भावों की उत्पत्ति करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है, उन भावों को उनके सिग्नल रिसीव करके केमिकल प्रोसेसिंग से उनको थॉट्स को कन्वर्ट करता है, सिग्नल्स लेकर के उनको कन्वर्ट करता है और उसी चीज़ को वो एग्जीक्यूट करता है। और किडनी क्या करती है, जो हमारा सबसे लोअर मोस्ट चक्र है, उन सिग्नल्स को जो हमारा ब्रेन लेता है वो उन सिग्नल को प्रोसेस करके हमारी किडनी को भेज रहा है कि भाई अब आपको फिल्ट्रेशन का काम करना है, इन सब के बीच में फिल्ट्रेशन का काम करना है। तो फ्रेंड्स क्या है, जब हम वाटर, अब मैं ये एक बात कहूँ कि मेरी बॉडी में मतलब किसी चीज़ की डेफिसिट हो रही है, ठीक है, मेरी बॉडी जिन चीज़ों से 60% मेरी बॉडी जिस चीज़ से बनी हुई है, वो अगर हम वाटर कंटेंट हमारा डे बाय डे नीचे चला जाता है तो मेरा हार्ट क्या सोचेगा, क्या प्रोसेसिंग करेगा, क्या थॉट भेजेगा, निगेटिव, है ना। मेरी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो मेरा हार्ट क्या सोचेगा, निगेटिव थिंग्स, निगेटिव थिंग्स सोचेगा, ब्रेन को भी वो निगेटिविटी ही सेंड करेगा। अब ब्रेन बेचारा क्या करे, जब उसको एक चक्र से जो उसका लोअर चक्र है यहाँ पर है, जो चक्र ये है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस ही निगेटिविटी भेज रहा है, तो वो यहाँ क्या एग्जीक्यूट करेगा, उसको क्या करेगा, तो निगेटिव चीज़ें ही एग्जीक्यूट करेगा। और जब वो निगेटिविटी एग्जीक्यूट करेगा तो निगेटिव सिग्नल ही बना करके आपकी किडनी को चक्र को भेजेगा, है ना। और किडनी के चक्र में जितनी निगेटिविटी, अब किडनी बेचारी क्या करे, उसको मिल तो निगेटिविटी रही है ना, तो व्हाट सी विल, व्हाट किडनी, तो आपका जो फिल्ट्रेशन चक्र है वो क्या करेगा, क्या फिल्टर करेगा, कि वो चलें कि भाई सब कुछ तो निगेटिव ही आ रहा है, मैं क्या फिल्टर करूँ, इसमें से क्या एब्जॉर्ब करूँ, क्या फिल्टर करूँ, तो वो जो सारी निगेटिविटी है ना, आपका एक निगेटिव ऑरा है, वो फिर वही निगेटिव ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा और यही कंटिन्यूसली ये चक्र आपका चलता जाएगा। अगर आपको कि अरे नहीं ये सब बुरा, ऐसा बुरा, वैसा बुरा, तो ये अब आती है इसमें वाटर का रोल। आपने अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करा हुआ है, आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, मेरे हार्ट में पानी की कमी हो रही है, मतलब मेरा जो पहला चक्र है, मेरा हार्ट चक्र, वो एकदम कंटेंटेड है, ठीक है, पूरी तरह से हाइड्रेटेड है। तो अब वहाँ से क्या है कि आपको जो आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके थॉट हैं, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके ब्रेन को जाएगी, ठीक है। आप जब वाटर ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ साथ आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने हार्ट को, अपने इस पहले चक्र को दे रहे हैं, पॉजिटिविटी अपने पहले चक्र को दे रहे हैं। अब वो पहला चक्र जो है आपका एनर्जाइज है, उस एनर्जाइज चक्र ने सेकंड चक्र के लिए, आपके जो ब्रेन का चक्र है जहाँ पे कि 70% वाटर है, उसको एक पॉजिटिव वाटर कंटेंट भेजा है, एक पॉजिटिव नोट भेजा है कि ओके आई एम हाइड्रेटेड, नाउ इट्स योर टर्न टू गेट हाइड्रेटेड, टू गेट अ गुड न्यू थॉट्स। तो जब हम वहाँ पे वाटर कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है तो क्या होता है कि ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, जो थॉट प्रोसेसिंग है, आप इसको माइथोलॉजिकली सोचिए, नॉट केमिकल बेसिस पर, केमिकली आप साइंटिफिकली भी इसे सोचेंगे ना तो भी बहुत कुछ है। तो वहाँ का वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है, वो पॉजिटिव चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिविटी है ही नहीं, आपका वो पोर्शन भी कंटेंटेड है, उसको 75% वाटर मिल रहा है, 75% पॉजिटिविटी उसको मिल रही है, तो वो भी अब पॉजिटिव थॉट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी एग्जीक्यूट करेगा, जब वो पॉजिटिविटी एग्जीक्यूट करके वो सिग्नल्स आपके थर्ड चक्र यानी कि किडनी के चक्र को दे रहा है, आपकी किडनी फिल्टर करने की, अब आपकी किडनी क्या है कि वो पॉजिटिवली वहाँ पर आपके जो थर्ड चक्र है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन आपकी बॉडी की छलनी है, उस छलनी पर बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंग्स मिक्स होके जा रही हैं। तो अब किडनी कहती है अब भैया अब सही है, अब हम जो है इसमें काम की चीज़ें निकालेंगे और बेकार की चीज़ें बाहर कर देंगे। तो जब आप हाइड्रेटेड होती है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है, तो आपके तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं, आपका पहला चक्र हार्ट, आपका दूसरा चक्र ब्रेन और आपका तीसरा चक्र किडनी, ये तीनों एक्टिवेट होते हैं। तो आपके जब थॉट्स अच्छे होंगे तो उनकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, ठीक है। जब प्रोसेसिंग अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में जो अच्छी चीज़ें होंगी, आपकी किडनी को जो सिग्नल जाएगा कि हमने अच्छी चीज़ें अपने अंदर रखनी है और बुरी चीज़ें हमने बाहर कर देनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, ये माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक बहुत बहुत
एरिया से इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को, अभी माइथोलॉजी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत लंबा इसका हो जाएगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हाइड्रेटेड रहें, माइथोलॉजी पर मैं फिर डिस्कस करूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। टिल देन अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।